वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग दोस्तों। जैसे कि हम दोबारा से आ चुके हैं भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। कल आप लोगों ने देखा होगा कि हमने उनका जो नाइट का शो था वो देखा था, बट आज हम उनके शोल्डर तक जाएंगे, जो वहाँ पे ऊपर जाके उनके दर्शन भी करेंगे और यहाँ का सारा व्यू देखेंगे कि उनके कंधों से पूरा जो ये जयपुर सिटी दिखता है किस तरीके से दिखता है, कितना खूबसूरत लगता है। और आज थोड़ा सा मौसम में धूप तेज हो चुकी है बट ऊपर बादल चढ़े हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ आने की खुशी सबसे ज़्यादा है। तो बस मेन हमारी एक्साइटमेंट यही है कि आज हम वहाँ तक जाएंगे। जल अभिषेक हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यार देखो उसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो 1500 रुपये बहुत ज़्यादा ही हो गया है कि थोड़ा सा और जाने के लिए। और फिर बुआ ने कहा कि बेटा मैं उतनी, क्योंकि जो उनका शोल्डर है वहाँ तक के लिए आपको लिफ्ट होगी बट ऊपर जाने के लिए उसके पास स्टेयर्स है, तो वो कह रही थी कि मैं उतना स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती, तो उनके बिना ऊपर तक जाना भी मेरा भी मन नहीं कर रहा, वो साथ जाती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। तो हम लोग उनके शोल्डर तक का जाएंगे, यानी कि हमारा जो रहेगा 400 पर पर्सन के अकॉर्डिंग रहेगा, 270 फीट तक का, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो चलते हैं और टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं। तो अभी ये लोग यार यहीं से बिलोंग करते हैं। आपका नाम क्या भैया? सुरेंद्र। और आपका? भगवान नाम प्रजापति। तो इन्होंने मुझे देखा ब्लॉग बनाते हुए, तो भैया ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया और मुझसे पूछा अभी कि हम लोग कहाँ से हैं। तो हम तो दिल्ली से हैं बट भैया और यहीं से बिलोंग करते हैं। तो अभी ये लोग बेसिकली उज्जैन से आ रहे हैं महाकाल जी के दर्शन करके। तो कैसा लगा आप लोगों को दर्शन करके? बढ़िया लगा, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ के दर्शन करने जाते तो बहुत ही बात अलग है। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने, तो वो आप भी शोल्डर तक ही जाओगे? हाँ, तो चलो हम सब साथ ही चलते हैं। देखो मैम यहाँ काउंटर पे बैठे और वो हमें पहचान गए कि हम लोग कल आए थे। सर मैम क्या नाम है आपका? ओके, आपका सर आवाज दिया तला। ओके, तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ से 400 वाली टिकट और भैया भी ले रहे हैं, अभी कहाँ गए वो लोग भी हैं यहाँ पे। एक आपका बिल है, चार आपके टिकट और ये चार बैंड जो आपको हाथ में मारना है। ओके, तो गाइस हमारी टिकट हमें मिल गई हैं और ये चार बैंड मिल गए हैं जो कि हमारे हाथों पे बन जाएंगे। चलो थैंक यू मैम। जेंट सेक्शन के लिए अब यहाँ से जा सकते हैं, लेडीज का इधर से है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और हम सब ने अपने अपने हाथों में बैंड बांध लिए। रूही दिखा अपना, बुआ ने भी बांध लिया, वो दिखा दो अब भी क्या और ये रख दो, ये इधर उधर होते रहेंगे। चलो और अरे ऊपर वेदर दिखाओ अभी कैसा हो गया, देख ऊपर बादल आ चुके हैं, वो आ चुकी वहाँ। रात को मैंने आप लोगों को जो दिखाया था कि ये वाला बोर्ड मैंने आपको दिखाया था, बट मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ जो टिकट के जो प्राइजेज हैं यहाँ पे, जो एक्टिविटीज़ होती है। तो बंजी जंपिंग जो होती है और कितनी है ये 56.50 मीटर्स की है ये, ठीक है ना। और इसमें स्काई वॉक के इन्होंने जो चार्जेस देखो लगा रखे हैं सारे 200 रुपये, जिप लाइन 250 रुपये, जाइंट स्विंग 150। तो ये गाइस सारे चार्जेस हैं, आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीन शॉट रख लेना, अगर किसी को यहाँ आ रहे हो कोई और किसी को कुछ करना हो तो पता रहेगा उन्हें। देखो अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और दिख रहा होगा और सब लोगों के, मतलब इतनी गर्मी थी और अचानक से भोलेनाथ जी ने मौसम एकदम बदल डाला, आसमान में बादल देख सकते हो कितने ज़्यादा घने बादल आ चुके हैं और कितना खूबसूरत सा नज़ारा हो चुका है यहाँ का, क्योंकि मेरे भोलेनाथ जी है ना, वो ऐसे किसी को परेशान देख ही नहीं सकते। गाइस कल मैंने आप लोगों को दिखाया था शाम को, मैंने कहा था कि यहाँ पे देखो जल चलता रहता है, तो जो शिवलिंग बनाया हुआ है इन्होंने कितना सुंदर था, और ये देखो ये पानी इसमें ऑटोमेटिकली ऐसे चलता रहता है तो वो शिवलिंग का जल अभिषेक होता रहता है। ऊपर आ गए अब वो, मैं भी थक गई थोड़ा सा, वैसे ही खड़ी चढ़ाई से बना रखा ना चलने का वॉक करने का।
और यहाँ से हम लोग आगे से अच्छा ओके अच्छा ठीक है तो उन्होंने बोला आगे से चले जाओ वहाँ से घूम के जाना है। और देखो यहाँ पर भी अभी ये शायद इन्होंने ओपन नहीं करा हुआ, यहाँ पे भी देखो भोलेनाथ जी की वही प्रतिमा बनी है, बहुत प्यारी थी वो एक्टिविटीज के लिए बन रहा सारा। पूरा हम लोग वहां से घूम के सारा इधर आ चुके हैं और यहाँ से एंट्री है परिक्रमा कर दी तुमने चक्कर मार। अच्छा ये एक परिक्रमा की तरह हो गया पूरा। हाँ पहले उन्होंने एक परिक्रमा करवा दी और फिर आपकी एंट्री, क्योंकि हाँ कल हम यहीं पे आए हुए थे की बताओ। हाँ तो चलो ठीक है, जो भोलेनाथ जी चाहेंगे होगा वही। ओ ये है शो काउंटर, तो यहाँ पे पहले अपनी चप्पल जूते आप लोग यहाँ उतार देंगे, उसके बाद ही आप लोग ऊपर जाएंगे। और ये बना हुआ है कुछ स्टॉल्स, किसी को कुछ खाना हो तो वो यहाँ से खा सकता है, मैंने रात को भी दिखाया था जबकि। तो यहाँ से एंट्री है और वहाँ पे भी काउंटर बने हुए हैं, सो वहाँ से वो लोग आई थिंक जल अभिषेक वाली वहाँ से भी ले सकते हो किसी को लेनी हो तो। और ये देखो बहुत सुंदर सी फ्रेग्रेंस है अंदर आते ही के साथ ही। और ये भी एक वेटिंग एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ पे भी लोग वेट करते हैं बैठ के बड़े आराम से। और यहाँ से हम टिकट दिखाएंगे और तब अंदर जाएंगे, अपने अपने टिकट्स ले लो और चलो। यहाँ पे ये वेलकम फोटो क्लिक करते हैं, जिसका देखो बैकग्राउंड आपको ग्रीन दिख रहा है, उसके बाद पीछे आपके ये शिव जी का पूरा वो फोटो लग जाता है। एंड अगर किसी को वो फोटो पसंद आती है तो वो जब बाद में पूरा दर्शन करके जब नीचे आते हैं तो वो काउंटर से वहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसके साथ इन्होंने एक स्लिप दी है, दिखाइए ये स्लिप आप दिखाओगे, अगर आपको फोटो पसंद आ जाती है तो आप उसे परचेज कर सकते हो। तो हमने भी क्लिक करा ली है और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। बस काफ़ी बड़ा बना हुआ है ये अंदर से, और ये देखिए यहाँ से अब आते हैं तो ये भी सारा वेटिंग एरिया है। पूरा ये वेटिंग एरिया बना हुआ है, जब बहुत ज़्यादा रश होता है लोगों का तो लोग यहाँ पे बैठ के वेट करते हैं बहुत अपना। बहुत सुंदर बनाया हुआ, अभी एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है जिसमें भोलेनाथ जी की वो वीडियो चल रही है और ऑलरेडी किस तरीके का दिखता है ऊपर से। सो गाइस अभी ऊपर लोग गए हुए हैं, जब वो लोग नीचे आएंगे तब ये देखिए लाइन लगी हुई है, इसके अकॉर्डिंग लोग चाहते हैं कि कुछ हिसाब होता है कि कितने कितने परसेंट के हिसाब से ऊपर जाते हैं। तो हम लोग भी अभी वेटिंग में बैठ गए हैं, अगर हम लोगों ने जल अभिषेक वाली टिकट ली होती तो हमें वेटिंग करनी नहीं पड़ती, तब हम सीधा डायरेक्ट ऊपर जा सकते हैं। अभी वहाँ जो लोग बैठे थे वो लोग जा चुके हैं अंदर, सो अब हम लोगों को थोड़ा सा आगे उन्होंने बोल दिया कि अब आप आगे आ जाइए, सो अब हम लोग यहाँ वेट करेंगे बिल्कुल स्क्रीन के नज़दीक। अब हम लोग वहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं, सो हमारा जो वेटिंग एरिया का टाइम था वो कंप्लीट हो गया और आई थिंक ये लिफ्ट से जाना है हमने ना, चलो इसी से ओके। सो यहाँ से जाएंगे हम आराम से, चलो आप शोल्डर तक जाओगे 280 फीट की हाइट पे जा रहे हो, राइट साइड का जो शोल्डर है तो ये जो फ्लोर है 11-10 यहाँ तक हाइट नॉर्मल बिल्डिंग के बड़ी फ्लोर रहता है 28 28 फ्लोर ऊपर जा रहे हैं।
लास्ट जो है 30 फ्लोर तक लेते हैं, 30 से 5 फ्लोर जाना पड़ता है, 35 फ्लोर टॉप तक का हिस्सा है, 10 से 15 मिनट का रहेगा आपके दो चीज हम दोनों बनने में। सो हम लोग 11 फ्लोर पे आ चुके हैं, सो अब हम लोग लिफ्ट से बाहर आ चुके हैं। ये स्टेयर्स का देखो अभी उन्होंने ये बंद कर रखा है, ये खाने ध्यान से बेटा। ये देखो ये लोग लग गए बच्चे के साथ हंसी मजाक करने में। पहले ये सब आराम से देख लें उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि फिर ऐसे वीडियो ढंग से बन नहीं पाती है। अभी हम किस तरफ हैं? राइट साइड। अच्छा राइट साइड शोल्डर पे। तो ये देखो नाग देवता दिख रहे हैं जो हमारे भोलेनाथ जी के कंधे पे रहते हैं, और यहाँ से जो पूरा व्यू है पूरा देखो पूरा दिखता है ये शहर, यहाँ से इतना ही सुंदर लगता है। और अभी हम उनके राइट शोल्डर पे हैं और कानों के कुंडल उनके दिख रहे हैं। करते हम लोग कास्ट टच कर लेता ना और अच्छे से थोड़ा लंबा होता चढ़ जाऊंगा। चलो एक ग्लास पे एक चलो। अच्छा, तो एक ग्लास पे एक ही पर्सन एक टाइम पे खड़ा होगा। मैं जैसे आगे चलो चलो मुझे दे दो यार। एक ही बात है कुछ नहीं है। तो कैसा लग रहा गाना? मजा आ रहा है ना? इतना सही था ना। ये भोलेनाथ जी का त्रिशूल और गार्ड साहब खड़े हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। सबकी क्या हो गया? आप क्या यही था बस? और तुम्हें क्या यही खड़ा करके रख देंगे दोस्तों। अब यहाँ की तरफ अभी अभी ये कौन सा साइड था उनका? अच्छा ठीक है, अब ये लेफ्ट शोल्डर आ गया ना। ओके तो अब हम लोग लेफ्ट शोल्डर की तरफ आ चुके हैं। स्टार्टिंग जो था हमारा वो राइट शोल्डर से हुआ था उनके। ये हमारे भोलेनाथ जी हैं। हाथ लगा लो, नहीं हाथ लगा लो। तो बुआ भी फोटो शूट कर रही है। ओह माय गॉड, सो हम लोग वापस आ चुके हैं लेफ्ट में दर्शन करके। सो हम लोग यहाँ आ गए अब नीचे, और यहाँ पे वो दिखाएंगे जो हमारी फोटोज क्लिक हुई होंगी ना, तो किस तरीके से लग रही है और कैसी है, और अगर हमें अच्छी लगेगी तो हम लोग परचेज कर सकते हैं। काना पॉसिबिलिटी हो तो फ़ोन पे ले लियो कि वैसे लेगा है ना, फ़ोन पे ले लेंगे जो भी है। और गाइस ये देखो यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं खरीदने के लिए, लाइक बच्चों के लिए टॉयज़ हैं, और ये देखो अम्ब्रेलास लगे हुए हैं, कैप्स लगी हुई हैं काफ़ी सारी, और ये देखो चाबियों के छल्ले की रिंग्स लगे हुए हैं, टी शर्ट्स भी लगी हुई हैं। टी शर्ट्स में क्या है? विश्वास।
ब्लैक कितने कितने की है ये भैया? टी शर्ट कितने की है? 699. अच्छा ओके, अगर किसी को परचेज करनी हो तो 699 की टी शर्ट है, और ये बैग्स रखे हुए हैं, और ये शॉप है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा ब्रासलेट तो यार हम लोगों ने इतने पहन लिए, ये अब पहने नहीं जाते। तो गाइस अगर अपनी जो फोटोज है अगर इस साइज में लेते हो तो ये आपको 250 का है, ये 250 का पड़ेगा, और अगर इस साइज का लेते हो तो ये आपको 350 का पड़ता है ना, 300 का है, ओके 300 का है। बट हमने अपने मोबाइल पे लेने का प्रेफर किया है तो उसके 500 चार्जेस हैं, और टोटल हमारी फोटोज कितनी है, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी है, मैं अच्छी खासी हो गई, हाँ 7 फोटोज हो गई ना हमारी, 7 फोटोज हैं हमारी। तो अभी चलें, 500 रुपीज़ हम लोग दिए हैं, जो भी 2 फोटो मेरी ऊपर क्लिक हुई है जो वो ग्लास वाला बना हुआ था वहाँ पर, और उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे जो नीचे वेलकम फ़ोटो उसमें जो क्लिक करी थी जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड में वो दिखाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो आप लोग भी आओ तो ये ज़रूर कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना पैसा हम लोग वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा तो यार, ये तो भोलेनाथ जी की फ़ोटो हमें इतनी अच्छी ऑटोमेटिकली मिल रही है पीछे लगी हुई बैकग्राउंड में, तो हम लोगों ने ये 500 रुपये में लिया है। अब देखते हैं, आधा घंटा उन्होंने बोला है कि आधा घंटे बाद आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो आप इसे डाउनलोड कर लेना, अपलोड हो जाएगी। तो देखते हैं, अभी तो हम लोग यहीं पर हैं, तो यहाँ से अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, और इन्होंने ये हमारे बैंड हटा दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर अंदर जो पार्क जो है वो पूरा हम घूम सकते हैं अभी, तो अभी हम वेट करेंगे क्योंकि आधे घंटे तक हमारी फ़ोटो अपलोड होंगी। तो पानी की बोतल निकाल ले रूँगी यहाँ से, हम लोगों ने अपनी पानी की बोतल यहाँ रख दी थी, तो बस अब ले लेते हैं, तो मिल गई हमें वाल, अब पानी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, क्या बुआ रूही तो शायद गोलगप्पे खाएं आई थिंक, तो गोलगप्पे के जो रेट हैं वो 40 रुपये के 7 पीस हैं, किस तरीके से हैं। और बाद में मैं खाना तो आइसक्रीम खाएंगे, बाद में खाएगी रूही। रूही गोलगप्पे खा रही है? नहीं खा रही, बुआ खा रही है, बुआ के लगाओ ना एक प्लेट, बोल दे खाना फिर इनको। तो देखो वो लोग वो इस तरीके से फिल करके आपको प्लेट में गोलगप्पे डाल देंगे सारा, और जो ये कप्स पड़े हैं इसमें आपको जलजीरे वाला पानी मिल जाएगा गोलगप्पे का। ओके नट एप्पल एप्पल पाइन एप्पल वाह पान डिलाइट और ब्राउनी वनीला ये ले लें, चॉको किटकैट ले लेते हैं, है ना, पूछते हैं कौन सी है चॉको किटकैट, आइए वहाँ पे बोर्ड मैम को दिखा देंगे। नहीं है, कौन कौन सी है अभी फिर, हाँ तो उसमें ले लो, क्या हो गया, यहाँ आ जाना, ये रही ना अमेरिकन मैंगो आलमंड डेक करंट बटर स्कॉच चॉकलेट केसर पिस्ता पिस्ता कुकिंग क्रीम पान वनीला वो ले लो, वो वाली एक वो ले लो, वो तो फिर वाला टेस्ट हो गया भाई, मिक्स करी वाला मिक्स करके ले लो ना, थोड़ा टेस्ट कर लेंगे ना आपस में। ये वाला कौन सा बताया था, आलमंड वाला है ना ये, एक ये वाला कर दो, एक चॉकलेट कर दो, यार चॉकलेट नहीं यार, चॉकलेट नहीं, हाँ ब्लैक करंट कर दो, करंट ही नहीं। वाओ कितनी प्यारी आवाज़ है, गोलगप्पे कैसे लगे? अच्छा, बट अगर ये वैसे खिलाते तो ज्यादा मजा आता ना मेरे हिसाब से, खुद से वो ये खिलाते हैं ना पानी डाल के तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी हम लोगों ने अब लिया है दही पापड़ी चाट, और एक प्लेट बुआ ने भी लिया, और उन्होंने गोलगप्पे दोबारा से लिए हैं।
सही है, अरे सबसे अच्छा है। दर्शन कर लिए हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और हमें इतनी मतलब खुशी सी हो रही है। जब हम लोग दर्शन के लिए जा रहे थे तो धूप बिल्कुल गायब हो गई थी, मौसम इतना अच्छा कर दिया था और जैसे हम लोग अब नीचे आ गए तो वापस से उन्होंने वही धूप दोबारा कर दी है। तो हमें तो बहुत अच्छे दर्शन हुए और हम लोगों ने वहाँ पर खा भी लिया है और अब हमने अपने गाड़ी वाले भैया को फ़ोन कर दिया है जो कि अभी हमें यहाँ से पिक करेंगे और वापस हमारे होटल लेके जाएंगे जहाँ पर हमने स्टे किया था। एंड देन अभी हम लोग वहाँ से चेकआउट करके उदयपुर की तरफ निकलेंगे और इन्हीं का जस्टा वालों का ही सतवा करके ही 7-star होटल है तो जो अब हम बुक करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 5-star में थे, अब हम 7-star होटल का मजा लेंगे वहाँ जाकर। और वो बहुत मतलब वो उदयपुर में उस जगह पर है जहाँ से आपका सिटी पैलेस, लेक तिजोला, काफ़ी सारी चीज़ें जो मार्केट है वहाँ की जो देखने लायक चीज़ें हैं वो बहुत उसके बिल्कुल टच में है। तो दोस्तों चलते हैं बाहर की तरफ और अपना बस होटल जाते हैं और वहाँ से चेकआउट करते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने अपना सामान पिक कर लिया है और सो थैंक यू आप सब लोगों की, यार सर्विस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। और ये लक्षिता दोबारा से आ गई, मॉर्निंग में दूसरे भैया बैठे थे फिर से मैं उनका नाम पूछना भूल गई यार, मैं नाम नहीं पूछूं। यहाँ बैठे होते ना उनका क्या नाम है, उनका छोटी छोटी मूछें भी सी है, पतले पतले सामने। अच्छा जब हमने चेक इन किया था तब वही बैठे हुए थे यहाँ पे। ओके बाय। तो गाइस बस अब लोग निकल रहे हैं और अभी हम इनके जस्टा सतवा में जाएंगे जो इन्हीं की है ब्रांच। तो गाइस हम लोगों का यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और बहुत अच्छा ही होटल है ये। और सबसे बड़ी बात है यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, सब बहुत ही अच्छे नेचर के बंदे, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी का नेचर कुछ आपका रूड है या आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही ढंग से पैसे देने के बाद, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो बस अब हम लोग जाएंगे अपना उदयपुर की तरफ जो कि इनका होटल का नाम है जस्टा सतवा, है ना, जस्टा सतवा में। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत इंजॉय किया होगा, भोलेनाथ जी की जब मूर्ति देखी होगी। कल की वीडियो में भी आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा जब आपने रात का शो देखा होगा और फिर सुबह के जो हमने दर्शन कराए हैं। तो बस हमें तो बहुत ज़्यादा आनंद आया, हम बता नहीं सकते, हम बहुत खुश हैं, यकीन नहीं हो रहा कि ये मौका हमें मिल गया। थैंक्स टू भोलेनाथ जी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि वहाँ तक हम आए। अगर हम केदारनाथ नहीं जा पाए तो क्या हो गया, हम यहाँ आ गए यही हमारे लिए केदारनाथ के बराबर ही है। सो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो चैनल पर नए हो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली आगे और भी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आपको मिलती रहे। नई नई जगहों पर जाऊँगी, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी वहाँ के बारे में। और अभी हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर भैया हैं, क्या नाम है आपका भैया? बबलू भाई। बबलू भैया हमें लेके जाएंगे जस्टा सतवा में। सो गाइस मिलते हैं दोबारा से तक की नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार को खूब सारा प्यार दीजिए। लव यू गाइस, टेक केयर।